Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. Dear students, from today I am going to start the Chemistry Class 9th Textbook Exercise Question Series. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel which is Quick Learn Academy by Arusa Hiram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, ad today we complete complete the chemistry subject of class 9th K textbook exercise questions including the objective type and subjective type. बोथ को डिस्कस करेंगे इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको पकड़ लें और अपने ऑब्जेक्टिव टाइप को मार्क कर लें और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ जो कुछ सॉल्व करने वाले नमेरिकल टाइप जो आपके एम हैं वो भी डिस्कस करूँगी तो बेहतर यह है कि आप उनको लेड पेंसिल के साथ बुक के ऊपर मार्क कर लें ताकि आपको आने वाले वक्त में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले और आप उनको मेमोराइज़ करके अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकें फर्स्टली वी विल कवर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके टोटल जो हैं चैप्टर नंबर वन ऑफ केमिस्ट्री के जस्ट थर्टीन एम सी क्यूज हैं तो डिस्कस कर लेते हैं द फर्स्ट एम सी क्यू इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैनुफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंडस इसमें हमने बताना है कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसमें हम कंपाउंड्स को कौन से स्केल के ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं बनाते हैं इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज़ ऑन द कमर्शल स्केल हम बड़े लेवल के ऊपर इंडस्ट्रीज में चीज़ों को बनाते हैं और फिर उनको सेल आउट करते हैं सो हेयर द ऑप्शन सी इज करेक्ट मार्केट ऑन योर टेक्सट बुक सेकेंड एम सी क्यू इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन्स हमने बताना है कि हम किसको फिजिकली जो है सेपरेट कर सकते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़ायद हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो उसकी जो सेपरेशन का मेथड है उसको हम फिज़िकली जो है सेपरेट कर सकते हैं Without including any chemical reaction, so the option is correct. Third is the most abundant element occurring in the oceans is ocean may subsist the element cones you have abundant oga its correct option is also a which is oxygen fifth is the third abundant gas found in the atmosphere is. हमारे एटमोसफेयर में कौन सी गैस जो है वो है इट्स अब यू इज टू डियर स्टूडेंट्स आपने जब इसका अपनी बुक के ऊपर आप देखें रिलेटिव अटोमिक मास वाला जो टॉपिक है उसमें वन ए एम यू की वैल्यू गिवन है तो आपने याद रखनी है ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज वन पॉइंट सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम जो गा है ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज एच टू आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के जस्ट टू मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के थ्री हैं जो कि ओजोन की फॉर्म में है वायल एज टू के भी थ्री है एंड कार्बन डाइ ऑक्साइड के भी टोटल थ्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जबकि एज टू के टू हैं इट्स डाइटोमिक मॉलिक्यूल तो हमने बताना है कि ट्राई कौन सा नहीं है सो द ऑप्शन इज करेक्ट एट एम सी क्यू इज द मैथ ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज डियर स्टूडेंट्स मैथ को हमेशा जब भी हम फाइंड आउट करेंगे आप एज टू का देखें इसका हाइड्रोजन का जो है मास नंबर क्या होता है वन होता है एज टू है तो एज का जो टू है टू मल्टीप्लाई बाय प्लस ऑक्सीजन का जो मैस नंबर है वो सिक्सटीन होगा मल्टीप्लाई बाय टू प्लस सिक्सटीन जो है वो एटीन ए एम यू के इक्वल आएगा सो हेयर द ऑप्शन इज करेक्ट नाइन एम सी क्यू इज द मोलर मैस ऑफ एच टू एस ओ फोर इज सेम एज इट इज एच टू फोर का बताना है टू प्लस सल्फ़र का जो है यहाँ पे थर्टी टू होगा और ऑक्सीजन जो है वो सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय फोर जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को अप करेंगे टू प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी टू तो आ जाएगा हमारे पास नाइन्टी एट ग्राम सो हेयर द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट मार्केट टेन एम सी क्यू इज मोलर मैस इज़ यू एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोलर मैस ऑफ ओ टू इन ए एम यू हम मोलर मैस को यूजली ग्राम्स में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं तो मोलर मैस ऑक्सीजन का हमने ए एम यू में बताना है क्या होगा ओ टू ओ का जो है वो सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई टू देन इट विल बिकम एज थर्टी टू एम यू सो हेयर द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इलेवन एम सी क्यू इज़ हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट द ऑफ सी ओ टू डियर स्टूडेंट्स अभी स्टेटमेंट में हमारे पास मास गिवन है सी ओ टू का जो कि एट के, के इक्वल आएगा सी ओ टू का जब आप मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ट्वेल्व प्लस टू इंटू सिक्सटीन इट विल बिकम फोर्टी फोर पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास एट ओवर फोर्टी फोर विल गेट द आंसर ऑफ जीरो पॉइंट वन एट सो हेयर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ट्वेल्व एम सी क्यू इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ आइंस हमारे पास जो गिवन नंबर ऑफ़ आइंस हैं हमने बताना है कि किसके सेम होंगे डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में विद एक्सप्लेनेशन जो है रीज़न जो है आप बता सकते हैं लेकिन आपको मैं वैसे बता दूं करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज़ हाफ मोल ऑफ एन ए सी एल एंड वन बाय थर्ड मोल ऑफ एम जी सी एल टू थर्टीन एम सी क्यू इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम मैस अगर हम मैसेज को कैलकुलेट करें तो किसका मैस किस, किस पेयर का सेम होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है उसकी रीज़न क्या है सी ओ का कार्बन का ट्वेल्व होगा प्लस ऑक्सीजन का सिक्सटीन दोनों को आप एड अप करेंगे मैसेज दे विल बिकम एस 28 ग्राम्स वाले एन टू नाइट्रोजन का 14 प्लस मल्टीप्लाई बाय टू 14 टूज़ आर 28 सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट व्हिच इज वन मोल ऑफ़ सीओ एंड वन मोल ऑफ़ एन टू डियर स्टूडेंट्स ये तो थे आपके केमिस्ट्री क्लास नाइंथ के ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस मैंने आपको विद एक्सप्लेशन इनके जो आंसर्स हैं वो बता दिए हैं इनको आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें ना विल डिसकस द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टू द पॉइंट हैं और बहुत ईजी हैं इनको देखते हैं द फर्स्ट शॉर्ट इज डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री Uh, सबसे पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स इसमें जो है हम जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको बड़े लेवल के ऊपर प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज़ में केमिकल सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन की जाती है और इसका आप जो है वन एप्लीकेशन या स्कोप की हेडिंग देके भी लिख सकते हैं तो आप बेहतर है आप इसका सेकंड वाली एप्लीकेशन कर लें आप स्कोप की हेडिंग दे दें कि आप इसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं इन मेकिंग द फर्टिलाइजर सोप टेक्सटाइल्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पेंट्स एंड पेपर एंड व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा कोई भी एलिमेंट uh, कोई भी कंपाउंड ले लें उसकी हम सेपरेशन करेंगे और जो उसका फिर हम एनालिसिस करेंगे टू वेज से करेंगे आदर इट कैन बी द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अब डियर स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पैरामीटर्स जो हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूटिलाइज़ करते हैं कि हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम सिलेक्ट करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है आदर इट्स ऑफ गुड क्वालिटी एवरेज क्वालिटी और बिलो एवरेज उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है तो डियर स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस करते हैं कि वो किन किन एलिमेंट से मिल बना हुआ है यानी हम कॉम्पोजिशन को देखेंगे जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं अमाउंट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन सैंपल को देखेंगे कि कितना अमाउंट है लाइक like हम वाटर है अगर हम इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इसका एनालिसिस करें तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इनकी क्वांटिटी कितनी है टू रेशो वन है तो इसका स्कोप क्या होगा इट दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस आर स्टडीड दिस ब्रांच हैज़ द स्कोप इन फूड वाटर इन्वामेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू है विच इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स जब भी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो आपने अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि इसमें हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं कोवलेंड कम्पाउंड दो होंगे कौन कौन से कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव मींस जितनी भी चीज़ें हैं कार्बन हाइड्रोजन और इनसे मिलने मिल के बनने वाली इन सब की स्टडी क्या कहलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जबकि इनऑर्गेनिक क्या होती है ये इसमें हम तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे एक्सेप्ट किसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है इसको हम पेट्रोलियम में पेट्रोकेमिकल या फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखते हैं जबकि इनऑर्गेनिक को ग्लास सीमेंट सिरामिक्स और मेटलर्जी के अंदर जो है वो देखा जाता है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं नाउ आई रीड इट सोल आंसर एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द डेरेवेटिव इज कार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स द पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज वट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री the branch of this uh, of chemistry that deals with the study of all elements and their compound except those of carbon and hydrogen hydrocarbon and the derivatives is called inorganic it has application in केमिकल इंडस्ट्री लाइक ग्लास सीमेंट सिरामिक्स एंड मेटलर्जी डियर स्टूडेंट्स इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज़ वट इज़ द स्कोप ऑफ बायो केमिस्ट्री स्कोप क्या है कि मीन्स हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं तो डियर uh, स्टूडेंट्स पहले हम देख लेते हैं कि बायो केमिस्ट्री क्या होती है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन और केमिकल और रिएक्शन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं इसका स्कोप क्या है इट कवर ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज सेंथिसिस एंड मेटाबोलिज़्म और बायोकेमिस्ट्री एक अलग से हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको स्टडी करना शुरू किया है क्यों किया है कि ये चेक करने के लिए कि हाउ लिविंग थिंग्स ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड मींस हम फूड इनटेक करते हैं तो इस फूड के इनटेक से फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस जो है वो क्या होगा उसकी स्टडी की जाती है इसके बाद हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिज़ीज़ जब भी किसी को कोई बीमारी हो जाए किसी इंसान को किसी जानवर को किसी भी जानदार को तो उस बीमारी की वजह से क्या बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर अकर करते हैं उसके बाद आपने आपने जो है इसकी मेन चीज़ अगर आप चाहें तो स्कोप और इसमें आप आंसर में जस्ट एप्लीकेशन लिख लें बाकी जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है इट इज़ अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर इज हाउ डज़ होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम द हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर की यूजली डियर स्टूडेंट्स टू टाइप्स होती हैं वन इज़ द होमोजीनियस एंड द सेकेंड इज द हेट्रोजीनियस होमोजीनियस इसे कहते हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसमें मीन्स हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं हम उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो बाद में जो हमारे पास चीज़ बन रही है डैट विल बी यूनिफॉर्मली सेम थ्रू आउट जबकि हेटरोजेनियस में चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं रहेगी मिक्सचर में बल्कि अलग अलग दिखाई देगी तो डियर स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर की मैं डेफिनेशन को रीड करती हूँ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज डेट द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमो याद रखना होमो का मतलब होता है सेम जबकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होंगे इन व्हिच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस होमोजेनियस की एग्जाम्पल होगी एयर गैसोलीन एंड आइसक्रीम जबकि हेटेरोजेनियस की होगी सॉइल रॉक वुड एंड पेंट ईटीसी क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास हाउ इट इज रिलेटेड टू द ग्राम तो आपने डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक मास का तो आपको पता है क्या होता है लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास मीन हम इसको रिलेट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक मास के साथ जो कि मीन्स किसी टेबल uh, में कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट है हमने उसके साथ कंपैरिजन करके जब भी किसी एलिमेंट का मास लिखेंगे देन इट विल बिकम एज रिलेटिव एटॉमिक मास और यहाँ पे हम कार्बन ट्वेल्व आइसोटॉप के uh, के साथ जो है वो कंपैरिजन करेंगे तो इसे कहेंगे हम ये relative atomic mass है और याद रखना है इसका यूनिट जो है वो ए के इक्वल होता है और वन ए की वैल्यू क्या होती है ये आपसे एम सी क्यूज में भी पूछा जा सकता है एवरेज मास ऑफ एन atom of an element as compared to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope is called relative atomic mass the unit of relative atomic mass is amu which is called as atomic mass unit and what is Atomic mass unit. Atomic mass unit is one over twelfth mass of car. One atom of carbon twelve, and when we will express this value in grams, then we will get the final equation as one amu is equal to one point six six ten raised to power minus twenty four gram. Question number six is define empirical formula with example. Dear students, empirical. फॉर्मूला ऐसा टाइप का फॉर्मूला होता है जिसमें हम जो भी हमारे पास रेशियो ऑफ एटम्स गिवन हो जब हम उसको सिंपल कर लें मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए उससे मजीद उसके एटम्स की रेशो की कटिंग ना हो सके उससे कहा जाता है ये इंपीरिकल फॉर्मूला जबकि इसका जो अल्टरनेट होता है डैट इज़ द मोलिक्यूलर फार्मूला जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है इट इज़ द सिंपलेस होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड एंड इट्स एग्जाम्पल इज ग्लूकोस डियर स्टूडेंट्स ग्लूकोज़ का फॉमूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अगर हम इनकी रेशोज़ की बात कर लें वी विल गेट द रेशो ऑफ ग्लूकोज़ एज सिक्स रेशो ट्वेल्व रेशो सिक्स अब हमने कटिंग कर लेनी है ये एक ही टेबल पे वैल्यूज़ कटन कटिंग होती हैं एज सिक्स वन जार सिक्स टू जो ट्वेल्व एंड सिक्स वन जारिक्स सो वी विल गेट द सिंपलेस्ट होल रेशो ऑफ Atoms of a compound of glucose as 1 ratio 2 ratio 1, and by putting this ratio in the chemical elements, we will get CH2O. Question number 7 is state 3 reasons. वाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कम्पाउंड आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एयर एक मिक्सचर है जबकि वाटर एक कंपाउंड है वाटर एक कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें केमिकल कंबिनेशन होता है किसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जबकि एयर में सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसिंग गैसेज होता है तो इसलिए हम एयर को एज अ मिक्सचर लेते हैं जबकि वाटर को कंपाउंड लेते हैं इसके अलावा वाटर में फिक्स रेशो होती है दो मैसेज की दो एलिमेंट्स के मैसेज़ की वन इज़ द हाइड्रोजन एंड अदर इज़ द ऑक्सीजन जबकि एयर में मैसेज ऑफ कंपोनेंट गैसेस बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती एयर में रेशो जो है वो चेंज होती रहती है और थर्ड जो चीज़ है पॉइंट के एयर का एक डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वाटर का एक डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जबकि एयर का कोई भी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता तो ये तीन बातें हैं इन तीन रीजन्स की वजह से हम एयर को मिक्सचर कहते हैं जबकि वाटर को कंपाउंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर एट इज़ एक्सप्लेन वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एज एन एलिमेंट क्यों लेते हैं जबकि वाटर को एक कंपाउंड की फॉर्म में क्यों लेते हैं डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हैं क्योंकि इनमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं सेम एटॉमिक नंबर होता है और हम इनको सिंपल केमिकल मीन्स से बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं कर सकते जबकि वाटर जो है एक कंपाउंड होता है ये हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के केमिकली कंबाइन करने से जिनकी रेशो फिक्स होती है उनके करने से जो है हमें मिलता है इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज आर द एलिमेंट वाइल वाटर इज अ कंपाउंड Now I will read the whole answer of question number 8 as hydrogen and oxygen are the element because they have the same type of atom having the same atomic number and it cannot be decomposed into simple substances by the chemical means water is considered as compound because it is a substance made of two or more than two element chemically combined together in a fixed ratio by mass as a result of this combination oxygen and hydrogen lose their own properties and produce new substance like h2o question number 9 is what is the significance of the symbol of an element किसी भी एलिमेंट को जब हम कोई सिंबल देते हैं तो उसकी क्या अहमियत होगी डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी हम केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो हम कोई भी एलिमेंट का कंप्लीट नेम नहीं लिखते बल्कि उसके सिंबल को यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और ये जो हैं हर सिंबल हर एलिमेंट के हम देखते हैं कि अलग अलग सिंबल हैं आप प्रियोडिक टेबल को खोल के देख लीजिए उसमें कोई भी दो एलिमेंट्स के सिंबल कभी भी सेम नहीं होंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं केमिस्ट्री को सिम्प्लीफाइड फॉर्म में स्टडी करने में तो अब हम इसकी सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं नाउ आई रीड द होल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन एज सिंबल्स आर यूज्ड फॉर एलिमेंट्स इन ऑफ राइटिंग देयर कंप्लीट नेम सो इट टेक्स लेस टाइम सेव टाइम एंड एलिमेंट कैन बी रिकॉगनाइज बाय डैट सिम्बल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एलिमेंट का एक ही सिंबल होगा जो कि पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी उसको यूटिलाइज कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट इज सिंबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एन एलिमेंट सेकेंड इज इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट third is it represents one mole of atom of the element fourth is it represent atomic mass of an element fifth is it helps to write and understand chemical equation for different chemical reaction sixth point is periodic table is based on the symbols of different element for example the symbol of oxygen is o sulfur सिम्बल इज़ एस एंड द सिंबल ऑफ़ नाइट्रोजन इज कैपिटल तो डियर स्टूडेंट्स ये है सिंबल की सिग्निफिकेंस आपने इसको याद कर लेना है स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं डेली लाइफ को हम इसको एज अ मिक्सचर क्यों लेते हैं और वाटर को एज अ कंपाउंड क्यों लेते हैं हमने इसको एक्सप्लेन करना है तो आप इसको एज अ डिफरेंस टेबल ड्रा करें दोनों के नेम लिखें तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक में लिखना है कि ये सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस से बनती है कोई फिक्स रेशो नहीं है जबकि वाटर का आपको पता है कि इसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है कंबाइन करना है और उसकी फिक्स रेशो होगी वन रेशो एट बाय मास सॉफ्ट ड्रिंक्स का हाइड्रोजीनियस कॉम्पोजिशन जो है वो बनती है जबकि वाटर की होमोजीनियस कॉम्पोजिशन होती है सॉफ्ट ड्रिंक जो हैं एज अ मिक्सचर होते हैं तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली बाय फिज़िकल मींस जबकि वाटर को हम एज अ कंपाउंड लेते हैं इस वजह से हम इसको जो है कभी भी फिजिकल मींस से सेपरेट नहीं कर पाते इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एलेवन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इंटू एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंट जो हैं वो नेम्स ऑफ द एलिमेंट दिए गए हैं तो आपने बताना है कि आइदर दीज आर एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर दर्स्ट इज हीलियम एंड हाइड्रोजन ये दोनों के दोनों एलिमेंट होते हैं इसके बाद कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड सी ओ विच इज Uh, कोबाल्ट ये क्या है सी एक कंपाउंड है जबकि कोबाल्ट जो है वो एक एलिमेंट है वाटर एंड मिल्क वाटर एक कंपाउंड है मिल्क एक मिक्सचर है गोल्ड एंड ब्रास गोल्ड एलिमेंट है ब्रास मिक्सचर है क्योंकि हम इसमें डिफरेंट मेटल्स को मिक्सअप करते हैं आयरन एंड स्टील आयरन एक एलिमेंट है और स्टील मिक्सचर है क्योंकि स्टील में हम डिफरेंट थिंग्स को जो है कंबाइन करके बनाते हैं सो इट फॉर्म अ मिक्सचर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट वाई इज़ इट नीडिड एटॉमिक मास यूनिट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एटॉमिक मास यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसे ए एम यू कहा जाता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है उसकी भी यही रीज़न है कि हम रेलेटिव एटॉमिक मैथ्स में क्योंकि इसको यूटिलाइज करते हैं और हम इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं मैसेज ऑफ एटम का तो इसलिए हम इसको जो है यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज़ स्टेट द नेचर एंड द नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग हमने बताना है कि अगर हम जो गिवन सब्सटेंसेस को कंबाइन करें तो क्या बनेगा और उसकी नेचर क्या होगी लाइक फर्स्ट इज जिंक एंड कॉपर इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास एक अलॉय बनेगा ये वो एक मिक्सचर होगा और उस अलॉय का नेम ब्रास होगा वाटर प्लस शुगर पानी में आप शुगर को ऐडअप कर दें तो मिक्सचर बन जाता है और इसको हम सीरप बोलते हैं एलोमिनियम एंड सल्फ़र ये कंपाउंड बनाते हैं और इसका नेम होगा एलोमिनियम सल्फाइड आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल इन तीनों को मिलाने से अलॉय बनता है और इस अलॉय का नेम जो कि आयरन क्रोमियम और निकल के मिलाने से बनेगा इट विल बी द निक्रोम इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मॉलिकुलर मैथ फार्मूला मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आपने जो गिवन uh, हैं इनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज को भी कैलकुलेट करना है और डिफ्रेंशिएट करना है मॉलिकुलर मैस और फार्मूला मैस को मोलिकुलर मैस क्या होता है जब भी आप एक मोलिक्यूल में पाए जाने वाले तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को समप कर देते हैं इट विल ऑलवेज गिव द मोलिकुलर मैस वायल फॉर्मूला मास क्या होता है जब एक आयनिक कंपाउंड में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स के टॉमिक को आप एडअप कर देते हैं द फार्मूला मास और जो मॉलिकुलर मास है इसको कंपाउंड्स के अंदर यूज किया जाता है जो कि एज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जबकि फॉर्मूला मैथ जो है इसको हम डिफरेंट कंपाउंड में यूज करते हैं जिनके अंदर आइंस मौजूद हों मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर मैस ऑफ वॉटर 18 ए एमयू के इक्वल होता है जबकि सोडियम क्लोराइड का फिफ्टी एट पॉइंट फाइव एमयू के इक्वल वैल्यू होती है आपने इसको याद रखना है इसके बाद डियर स्टूडेंट्स है विच हैज द मोर एटम्स 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन तो डियर स्टूडेंट्स जब भी आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो उसका एक ही फार्मूला है मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय नंबर तो डियर स्टूडेंट्स मैस जो है आपने गिवन मैस टेन दिया हुआ है मोलर मैस जब आप प्रियोडिक टेबल में वैल्यू देखते हैं इट इज ऑलवेज इक्वल टू टी सेवन ग्राम पर मोल बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला एंड आल्सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन रेज टूपर ट्वेंटी थ्री आपने इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला लर्न करना है वैल्यूज़ को कैल्कुलेट करना है देन यू विल गेट टू पॉइंट टू थ्री टेन रेज टूपर ट्वेंटी थ्री आइटम्स जबकि आयरन का मैस टेन गिवन है मोलर मैस फिफ्टी सिक्स ग्राम पर मोल है इसमें जो है डियर स्टूडेंट्स आप वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे तो Then you will get the answer as 1.075 10 raised to power 23. So dear students you can that 2.23 is much larger than 1.075. So we can conclude that aluminium has more number of atoms than iron. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच इज एज इट इज़ मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बताया है इसी के जैसा है विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स नाइन ग्राम ऑफ वाटर और नाइन ग्राम ऑफ शुगर इसमें भी डियर स्टूडेंट्स आपने वही फार्मूला लगाना है मैथ ओवो मोलर मैथ इन टू गैड्रोज नंबर दोनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे इनका कम्पेरिजन करेंगे देन यू विल कंक्लूड दैट नाइन ग्राम ऑफ वाटर आर मच मोर देन नाइन ग्राम ऑफ ग्लूकोस इसके बाद डियर स्टूडेंट्स फार्मूला यूनिट का बताना है कि वन ग्राम ऑफ एन ज़्यादा होता है या वन ग्राम ऑफ के मॉलिक्यूलर मास हो या चाहे फार्मूला मास, जो इन दोनों का फार्मूलाज हैं ये आइडेंटिकल हैं तो आपने यही फार्मूलाज लगाने हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी लगेगा मैस ओवर वह फार्मूला मैथ फार्मूला मैथ्स को भी एज लाइक मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं इंटू गैड्रोज नंबर सो बाय कंपेयरिंग बोथ द वैल्यूज आफ्टर द सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वन ग्राम ऑफ एन विल हैव द मोर फार्मूला यूनिट देन वन ग्राम ऑफ के क्वेश्चन नंबर एटीन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोआटामिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो ऐटामिक मॉलिक्यूल विद होमो होमोमीन्स सेम ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम सेम टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है होमो ऐटोमिक और हेट्रोटोमिक कौन से होंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट काइंड के एटम पाए जाते हैं हेट्रोमीनस है, डिफरेंट तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एज टू ओ थ्री एस एट आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन भी सेम है मींस दो हाइड्रोजन है तीन ऑक्सीजन है एट सल्फर है तो ये होमो एटोमिक है लेकिन आप डिफरेंट टाइप के एटम्स को अगर इकट्ठे लिख लेते हैं देन इट विल बिकम एज हैट्रोएटमिक लाइक सी ओ टू एच टू ओ एन एस थ्री दीज आर ऑल द हैट्रोटोमिक मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम इज़ मोर टू मोल्स ऑफ एथ सी एल और वन मोल ऑफ एनर्जी हमने बताना है कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स इन वन मोल ऑफ एथ सी एल लिखना है इट इज़ वन मोल और टू मोल्स ऑफ एच में टू होंगे और एन थ्री में टोटल थ्री होंगे तो हम इससे यही कंक्लूड कर रहे हैं कि एन थ्री में थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पाए जाते हैं तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे एज़ कम्पेरेबल टू टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसके बाद डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन लॉन्ग फ्रॉम द एक्सरसाइज इज डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट विद एग्जाम्पल ये बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है आपने इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है सेकेंड इज लिस्ट फाइव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मिक्सचर दोनों कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस आपकी बुक के ऊपर गिवन है उसको आपने मेमोराइज कर लेना है उसके फाइव पॉइंट्स को राइट करना है थर्ड इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इनके डिफरेंस टेबल बुक के ऊपर गिवन है मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल एटम एंड ग्राम एटम मॉलिक्यूलर मैथ एंड मोलर मैथ केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला फोर्थ इज मोल इज ऐसा यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटांस डिफाइन इट विद एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट्स मोल की डेफिनेशन और इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द केमिस्ट सीक्रेट यूनिट तो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे कि ये तो हमने बुक में पढ़ा ही नहीं है फर्स्ट चैप्टर में तो ये कहाँ से आया एक्चुअली द मोल इज़ कार्ड केमिस्ट सीक्रेट यूनिट तो फिर बाद में आप इस को जो है वो डिफ़ाइन इसकी डेफिनेशन लिखें कि एग्जाम्पल लिख दें तो ये आपका एज अ शॉर्ट आ सकता है डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकैडमी बाय अरूसा इरम एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी